इससे पहले हम लोगों ने मैमल्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लेसेंटा के बारे में स्टडी कर लिया है। अलग अलग तरीके के आधार पर प्लेसेंटा को क्लासिफाई किया जाता है। आज हम लोग प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखिए, जैसा पहले की चर्चा से स्पष्ट हो चुका है, प्लेसेंटा का काम है मदर और फीटस के बीच एक लिंक के रूप में काम करना, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू विभिन्न सारी चीजों का आदान प्रदान मदर और फीटस के बीच होता है। तो प्राइमरी फंक्शन जो प्लेसेंटा का है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मदर एंड फीटस। फीटस को जो जरूरत है सच एज ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की, वो मदर बॉडी से उसे मिलता है। और फीटस के बॉडी में जो एक्रिटरी सब्सटेंसेस बनते हैं, चूंकि फीटस अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है और उसके अपने आर्गन अभी काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके जो एक्रिटरी सब्सटेंसेस हैं या श्वसन में जो CO2 बन रही है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज होके मदर बॉडी में पहुँचती है और वहां से फिर बाहर निकलती है। तो यहां पर देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज द इंटरचेंज ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ मदर एंड एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा का प्राथमिक काम है वो है इंटरचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन फीटस एंड एम्ब्रियो। ऑल द सब्सटेंस हैव टू पास थ्रू द प्लेसेंटा आइदर बाई डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस और बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो जो भी पदार्थ का आदान प्रदान होता है माता और फीटस के बीच, ये तीन विधियों से एक्सचेंज किए जाते हैं। पहला तो है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, दूसरा पिनोसाइटोसिस के द्वारा, और तीसरा बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ये तीनों विधियाँ इस बात पर निर्भर करेंगे कि जो मॉलिक्यूल का आदान प्रदान हो रहा है उनकी साइज कितनी बड़ी है। The mode of transmission is associated with the size of molecule. तो ये जो mode of transmission है ये सीधा संबंधित है अणुओं के आकार पर। Small molecules of oxygen, carbon dioxide, water, soluble in organic materials such as chloride and phosphate of sodium, potassium, magnesium, and soluble organic substances like glucose, etc. मोनोसेक्राइड, हार्मोन, विटामिन, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा पास थ्रू प्लेसेंटा बाय डिफ्यूजन। तो ये सारे मटेरियल्स जिनमें से कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साल्ट हैं, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, मोनोसेक्राइड के अणु हैं, ये सारे के सारे डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू आर पार जाते हैं प्लेसेंटा के। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड और जो बड़े अणु हैं जैसे पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक विलाई व्हिच आर ऑब्टेंड बाय पिनोसाइटोसिस। तो ये जो प्लेसेंटा के ऊपरी लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की परत है और उसमें जो विलाई बने हैं उनके द्वारा इनका ट्रांसफर होता है और इस प्रक्रिया में पिनोसाइटोसिस की क्रिया इन्वॉल्व होती है, यानी कि पहले पदार्थ उसके अंदर आते हैं और फिर वेसिकल के रूप में अंदर जाते हैं। थस द प्लेसेंटा कैरीज आउट फॉलोइंग फंक्शन, और इस प्रकार जो प्लेसेंटा है वो निम्न कार्य करती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला जो है जो प्राइमरी फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन का। तो प्लेसेंटा ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो प्लेसेंटा है ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो फीटस को जो है न्यूट्रिशन उपलब्ध कराता है ये। प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज टू ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट का काम है इसका, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो माता की बॉडी से और फीटस की बॉडी तक पहुंचा, इसका काम होता है।
इसको हमें लिखना है यहां से, चलिए ये काम नहीं कर रहा है, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इन चीजों को यहां से यहां तक लिखना है। ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों का ये ट्रांसपोर्ट करता है मदर बॉडी से फीटस की बॉडी में। और पोषक तत्व के रूप में जो मुख्य है वो है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स है, अमीनो एसिड है और स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल है। फ्रॉम मैटरनल ब्लड इनटू द फीटस, माता के ब्लड से फीटस में ये ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट वर्क है रेस्पिरेशन। तो प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के द्वारा जो शिशु जुड़ा हुआ है उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अभी उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं, ना ही वो बाहर हवा के टच में है। ऐसे में ऑक्सीजन उसे प्लेसेंटा के द्वारा मदर बॉडी से मिलता है। तो प्लेसेंटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन फीटस एंड मदर एंड थस हेल्प इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल ब्लड डिफ्यूजेज इनटू फीटस ब्लड वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज कंपैरेटिवली लेस देन इन मैटरनल ब्लड। तो ऑक्सीजन जो है वो मैटरनल ब्लड से फीटस ब्लड में विसरित हो जाता है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वो फीटस माता की तुलना में कम है, क्योंकि फीटस में ऑक्सीजन का कंजप्शन बराबर होता रहता है। तो वो जो मदर बॉडी का ब्लड का ऑक्सीजन है उसकी तुलना में उसमें कम होता है, और इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाता है इनसाइड मदर ब्लड। सिमिलरली डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम फीटस ब्लड इनटू द मैटरनल ब्लड स्ट्रीम इज आल्सो फैसिलिटेटेड। और इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होती है फीटस की तरफ, तो वो भी डिफ्यूजन के द्वारा दूसरी दिशा में यानी कि मदर ब्लड की तरफ अपने आप विसरित हो जाती है। तीसरा जो वर्क है वो है एक्रीशन का। अब जैसा हम लोग जानते हैं जो फीटस अभी डेवलपिंग स्टेज में है उसके एक्रीटरी ऑर्गन अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, ऐसे में जो मेटाबॉलिक क्रिया हो रही है उसकी बॉडी में उसमें तमाम उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, और ये उत्सर्जी पदार्थ प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जहाँ से ये मदर की किडनी में जाके फिल्टर होते हैं। तो द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एम्ब्रियो डिफ्यूज थ्रू प्लेसेंटा इनटू मैटरनल ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो फीटस की मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं इनके दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ये जो है डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू प्लेसेंटा इनटू मैटरनल ब्लड स्ट्रीम, माता के ब्लड स्ट्रीम में ये पास आउट हो जाते हैं। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है इम्यूनिटी का। प्लेसेंटा के थ्रू माता के शरीर में बनने वाली कुछ एंटीबॉडी वो फीटस के बॉडी में ट्रांसफर होती हैं और फीटस को ऐसे रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो कुछ ऐसे रोग हैं जैसे डिप्थीरिया है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, स्कारलेट फीवर है, इनसे संबंधित जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर होती हैं, और इसी कारण से जो हमारा फीटस है वो इन बीमारियों के प्रति इम्यून हो जाता है और उसकी ससेप्टिबिलिटी समाप्त हो जाती है। तो द एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन द ब्लड ऑफ मदर, जो एंटीबॉडी मदर की बॉडी में डेवलप होती हैं अगेंस्ट सर्टेन डिसीज, कुछ निश्चित बीमारियों के खिलाफ जैसे डिप्थीरिया, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर एक्सेट्रा, आर पास्ड फ्रॉम मदर इनटू द फीटस। तो ये जो है मदर से फीटस के शरीर में ट्रांसफर हो जाती हैं। दीज इंट्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरीके से ये जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है एंड इनससेप्टिबिलिटी टू दीज डिसीज। तो फीटस को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है और जो उसकी ससेप्टिबिलिटी है वो अब समाप्त हो जाती है, इनससेप्टिबल हो जाता है टू दीज डिसीज, इन बीमारियों के प्रति। तो अभी तक जो हम लोगों ने प्लेसेंटा के काम पढ़े, पहला तो न्यूट्रिएंट मटेरियल का ट्रांसफर मदर बॉडी से फीटस की तरफ, दूसरा रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसफर CO2 का फीटस से मदर की ब्लड की ओर, और ऑक्सीजन का मदर ब्लड से फीटस की ओर।
एक्सक्रीशन जो क्रिएटरी सब्सटेंसेस बन रहे हैं फीटस के मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान, उनको भी ये जो है मदर ब्लड में ट्रांसफर करता है, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। और चौथा इंपॉर्टेंट काम है इम्यूनिटी, जिसमें कुछ विशेष बीमारियों के प्रति मदर बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है वो प्लेसेंटा के थ्रू शिशु के शरीर में ट्रांसफर होती है और उसे प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो चूंकि शिशु का इम्यून सिस्टम अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है, वो अंदर डेवलपिंग कंडीशन में है, इसलिए उसे सुरक्षा के लिए मदर बॉडी पर निर्भर रहना पड़ता है और इसमें प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पांचवा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजन। अब ये इसका ड्रॉबैक है, न केवल एंटीबॉडी का ट्रांसफर होता है, बल्कि कुछ ऐसे जो स्मॉल साइज के पैथोजन हैं, जो रोगाणु हैं, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी से शिशु को ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसमें मुख्य है वायरस, क्योंकि वायरस की साइज छोटी होती है बाकी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनकी तुलना में, तो ये आसानी से मदर बॉडी से फीटस की ओर ट्रांसफर हो जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। सर्टेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस डिफ्यूज थ्रू प्लेसेंटा। इफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इन्फेक्टेड विद सम वायरस, इट्स ऑर्गेनिज्म मैनेज टू इंटर द फीटस एंड काज इन्फेक्शन। तो कुछ ऐसे पैथोजेनिक जीव हैं जैसे कि वायरस, ये प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज होते हैं, और यदि मदर जो है प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्टेड है कुछ वायरसों से, तो इसके ऑर्गेनिज्म जो है वो फीटस के अंदर इंटर हो सकते हैं प्लेसेंटा के थ्रू और वहाँ इन्फेक्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पर सिफिलिस है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, रूबेला है, इन्फेक्ट द फीटस इफ मदर गेट्स इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहीं तक लिखना है इसमें। यानी कि यहां से शुरू कीजिए और यहां तक लिखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है, और इसकी वजह से सम ऑफ देम में इवन काज कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। इन वायरसेस की वजह से कभी कभी जन्मजात विकृतियां फीटस में उपलब्ध बन जाती हैं, जो जन्म के समय शारीरिक विसंगतियां होती हैं वो कभी कभी ऐसे वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है जो मदर बॉडी में था और वहां से शिशु को ट्रांसफर हो गई। तो इसीलिए एड्स अगर मदर को है तो प्रेगनेंसी के कुछ स्टेज के दौरान ये संभव होता है कि वो जो है वो फीटस को ट्रांसफर हो जाए, उसे भी इन्फेक्शन हो जाए। ऐसे में अगर कोई लेडी जिसे एड्स की समस्या है और वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे को एड्स से बचाने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं जो जिससे प्लेसेंटा जो है वो इम्परमेबल हो जाता है ऐसे वायरसों के ट्रांसफर के लिए, और उसे हम ऐसी बीमारी से बचा सकते हैं। छठा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो अब बहुत सारे ड्रग्स हैं जो मदर बॉडी मदर ले रही है और वो जो है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर हो जाते हैं। कभी कभी चूंकि ये फीटस का जो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है वो बहुत कम है, यानी कि वो ऐसे दवाओं को झेलने की क्षमता कम है उसमें, तो अगर उनकी ज़्यादा मात्रा फीटस के बॉडी में एकत्रित होती है तो उसकी वजह से भी उन्हें जन्मजात समस्याएँ हो सकती हैं, कंजेनाइटल डिसीज हो सकते हैं या फिर प्रीमैच्योर एबॉर्शन भी हो सकता है। तो सम ड्रग्स टेकन बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड मे इवन काज डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि ली जाती हैं तो वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं और मे इवन काज डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज। और ये जो है यहाँ तक हो सकता है कि वो कुछ विकासीय विकृतियां फीटस में उत्पन्न कर दें। और ये नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, ये लिखना यहीं तक है और उसके बाद ये एग्जाम्पल देना है। ड्रग्स लाइक ये यहाँ से कर दीजिए, ड्रग्स लाइक क्विनीन एस्पिरिन आर आल्सो, ये यहाँ से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स लाइक थैलीडोमाइड, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए ड्रग्स लाइक थैलीडोमाइड क्विनीन एंड एस्पिरिन,
बस इतना एग्जाम्पल दे देना है और यहीं पर ख़त्म कर देना। समझने के लिए समझ लीजिए कि ये सारी जो ड्रग्स हैं, ये जैसे थैलीडोमाइड लिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिनको उल्टी या मितली की समस्या होती है उनको दिया जा सकता है। तो ये दवा ऐसी पाई गई है कि ये बच्चे में जो है विकासीय विकृति उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा क्विनिन है, एस्पिरिन है, ये दवाएं भी टेराटोजेनिक हैं, यानी कि कैंसरस ग्रोथ डेवलप कर सकती हैं ये। तो ऐसी ऐसी जो ड्रग्स हैं वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं और बच्चों में नुकसान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेवन, प्लेसेंटा स्टोर मटेरियल सच एज फैट, ग्लाइकोजन एंड आयरन एंड पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो प्लेसेंटा कुछ चीजों का स्टोर भी करता है, जैसे फैट का स्टोर करता है, ग्लाइकोजन का स्टोर करता है और आयरन का स्टोर करता है। और एंड पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन के उपापचय में भी भाग लेता है। आठवां जो वर्क है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो प्लेसेंटा से कई इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं और लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड प्लेसेंटा सेक्रेट्स मेनी हार्मोन्स सच एज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन, प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो दूसरे एंडोक्राइन ग्रंथियों की बात, प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्रंथी जैसा व्यवहार करता है और बहुत सारे हार्मोन का स्रावण करता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, गोनेडोट्रोपिन है, प्लेसेंटल लैक्टोजन है। अब लिखना यहाँ तक है, यहीं तक कर दीजिए शॉर्ट में। बाकी समझने के लिए, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है, रिलैक्सिन जो है वो चाइल्ड बर्थ के समय चाइल्ड बर्थ को सुगम बनाता है। तो इस तरीके के इनके काम है जो नीचे लिखे गए हैं। नाइन जो नौवां वर्क है वो प्रोटेक्शन ऑफ फीटस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ मदर। तो वैसे तो बैक्टीरिया जो है वो वायरस से साइज में बड़ा होता है और कम बैक्टीरिया हैं जो कि प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं, खासकर प्रेगनेंसी के कुछ विशेष अवस्थाओं में, यानी विशेष ड्यूरेशन के दौरान। जैसे इसमें देखिए, प्लेसेंटा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्परमेबल टू बैक्टीरिया। प्लेसेंटा जो है पहले आधी अवधि के दौरान बैक्टीरिया के लिए अपारगम्य होता है, बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोमॉलिक्यूल के लिए अपारगम्य है। इट देयर फॉर रिड्यूस द चांस ऑफ अपीयरेंस ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसेस ऑफ मैटरनल इल हेल्थ ऑन द फीटस। तो इस दौरान तो मतलब जो अगर माता के शरीर में इन्फेक्शन है तो उसका जो हानिकारक प्रभाव है उसको ये रिड्यूस कर देता है, यानी उसको घटा देता है। लेकिन हाउ एवर इन द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, जो बाद की बाकी आधी अवस्था है प्रेगनेंसी की, द प्लेसेंटा बिकम मोर परमेबल, प्लेसेंटा जो है वो ज्यादा पारगम्य हो जाता है। एंड देयर आर चांसेज ऑफ पासिंग द जर्म्स फ्रॉम मदर टू फीटस, और इस दौरान जो है ऐसे जर्म्स या सूक्ष्म जीव जो है उनका मदर से फीटस में ट्रांसफर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो पहले फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में संभावना नहीं है बैक्टीरिया ट्रांसफर की, लेकिन लेटर सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं और फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये था प्लेसेंटा के काम। मेन कामों में ये न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता है मदर बॉडी से फीटस की तरफ, श्वसन में प्रयोग होने वाली गैसों जैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन का मदर से फीटस की ओर और CO2 का फीटस से मदर की ओर। इसके अलावा फीटस में जो विभिन्न उपापचय क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजनीय पदार्थ बनते हैं उनको भी ट्रांसफर करता है मदर ब्लड में, जहाँ से वो किडनी में जाके चलते हैं। मदर बॉडी में कुछ बीमारियों जैसे चिकन पॉक्स है और स्कारलेट फीवर है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, स्मॉल पॉक्स है, तो ऐसी बीमारियों के प्रति जो एंटीबॉडी डेवलप होती हैं उनको ये फीटस में ट्रांसफर करता है प्लेसेंटा, जिससे जो है जो विकसित हो रहा है उसको इम्यूनिटी मिलती है बीमारियों के प्रति और वो ससेप्टिबल नहीं हो जाता। इसके अलावा कुछ पदार्थों को स्टोर करता है, कुछ हार्मोन का स्राव करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शुरू में बचाता है,
कुछ ड्रग्स हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारे जो हैं वो प्लेसेंटा के